इस समय ओमान में बहुत सारी अफवाह भी उड़ रही है कि मॉल बंद हो जाएगा। और आपको बता दें कि बहुत सारा अफवाह तो ये चल रहा है कि बाहर गए हो, जो कि इस समय इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग छुट्टी काटने के लिए गए हैं, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। तो पूरी में मैं आपको बताऊंगा और हकीकत में क्या है, हकीकत में पूरी कहानी क्या है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही पहले बात करता हूँ मॉल, जिस तरह अभी अफवाह आया था कि पूरा जो कि लूलू खाली हो चुका है, सिटी सेंटर खाली हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मॉल वाला भी सब जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में जैसे कुवैत हो गया और कतर हो गया, वहां पे तो पूरी तरह से मॉल वॉल सब बंद हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि, आपको बता दें, आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मॉल को बंद किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हुकूमत अनाउंसमेंट जरूर करेगी। वहीं आपको बता दें कि जुम्मे का नमाज, जी हाँ, जुम्मे का नमाज भी बंद हो चुका है। ये हकीकत न्यूज है, क्योंकि जुम्मे का नमाज इस बार जो होने वाला आने वाले जुम्मा है वो जुम्मा नहीं होगा। जी हाँ, एक महीने के लिए ये भी हो सकता है कि टाल दिया जाए जुम्मे का नमाज। वहीं आपको बता दें, जो लोग छुट्टी पे गए हैं उनका क्या होगा? जो लोग छुट्टी पे गए हैं वो हमेशा की तरह ही जैसा पहले आते जाते थे वैसा नहीं आप आ जा पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की इसका वजह आपको जो इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी आप कहीं के रहने वाले हो, अगर जब आप ओमान में वापस आते हैं तो आपको 14 दिन, जी हाँ, जैसा आपको मालूम होगा कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिन के बाद ये दिखता है, तो उसके लिए आपको टर्मिनेटर में रखा जाएगा। अगर जो आप वहां से आते हो तो आपका कोई, अगर जो आपके अंदर कोरोना वायरस का कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 14 दिन के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। उसके बाद अपना आप जॉब कर सकते हो, जो भी काम आप करने के को करते हो वहाँ फिर उसके बाद ही भेजा जाएगा आपको। तो वहाँ इससे अच्छा है कि आप मत आओ, क्योंकि एक महीना या अगर जो आप 1 महीना 15 दिन के लिए अपना टिकट और आगे कर लेते हो तो काफी बेहतरीन होगा। नहीं तो आप वहां से आओगे, वहां से आने के बाद यहाँ आपको अस्पताल में रहना पड़ेगा 14 से 15 दिन। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में तो ऐसा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो पूरी तरह से जिसका वीजा एक्सपायर होने वाला 6 महीना जिसका पूरा होने वाला, वही लोग वहां से मस्कत में आ रहे हैं। बाकी और जो कि 2 महीना 3 महीना छुट्टी काट पूरा हो चुका, उन लोगों को नहीं आने दिया। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब लखनऊ, जिस तरह आप लोग लखनऊ से फिर मस्कत, मस्कत से सऊदी अरब फ्लाइट जो जाती थी वो फ्लाइट पूरी रद्द हो चुकी है, सऊदी अरब नहीं जा रही। अगर जो आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टिकट किसी और फ्लाइट का ले सकते हैं। ओमान एयर पूरी तरह से बंद हो चुका है। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पे जो कि ओमान एयर का ही फ्लाइट था, वो ओमान से मस्कत, लखनऊ से मस्कत आ रही थी, मस्कत से उसके बाद सऊदी लेकर जाएगी, लेकिन सऊदी में आपको मालूम होगा पूरी तरह से बैन है, तो इसकी वजह से ओमान एयर पूरी तरह से बंद है। तो अगर जो वहां लखनऊ एयरपोर्ट से उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि और बताएगा एजेंट से जाके अपनी बात करें, तो आप अगर जो सऊदी जाना चाहते हैं ओमान होके तो आप नहीं जा सकते हैं कहीं भी, सऊदी या दुबई कहीं भी नहीं जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मॉल और बहुत सारे वीजा जो कि बहुत सारे बंद हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।